सभी मार्गों से आवागमन की सुविधा मिलेगी तो ऐसी सरकार बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो कमल खिलाना है, गुंडागर्दी मिटाना है तो कमल खिलाना है, देश को मजबूत बनाना है तो कमल खिलाना है, गांव का विकास करना है, शहर का विकास करना है, गरीब का विकास करना है तो कमल खिलाना है, क्योंकि कमल के फूल में लक्ष्मी मैया बैठ करके आती हैं। साइकिल पंजा हाथी तो ये बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का पाप किए हैं, काम किए हैं, इनको यह सजा सुनाने का वक्त है। कमल खिलाइए, यही अपील करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके जरा मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सियाराम, जय सियाराम। मैं जब जय सियाराम कह रहा हूँ तो कई पत्रकार लोग कह रहे होंगे कि जय श्री राम से जय सियाराम क्यों कह रहे हैं, कहते ना आपको भी बता दो, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, और हम सबका राम भक्त है, हम भगवान राम की संतान है, तो सीता मैया की जन्मभूमि कहाँ है? बिहार में है, तो यहाँ 80 वहाँ 40, सीता राम कहो 120, तो ऐसे साथ मिलकर के आपको जाएगा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के को 350 बार करने में आराम से आप इस काम को कर लोगे, लेकिन मेहनत करना है, पसीना बहाना है, जैसे प्रधानमंत्री जी मेहनत करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी मेहनत करते हैं, वैसे हम सब कार्यकर्ताओं को मेहनत करना है, पार्टी को मेहनत करना है, एक एक कार्यकर्ता को मेहनत करना है, यह संकल्प लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीतीश जी, आपने बहुत ओजस्वी भाषण दिया, आप लोग जोरदार तालियों से पुनः माननीय डिप्टी सीएम जी का स्वागत करेंगे, आप लोग पुनः तालियां बजाएं जोर से। हमारे बीच में हमारे प्रभारी मंत्री एवं जी उपाध्याय आ चुके हैं, आप लोग जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें, क्योंकि वर्षा हो रही थी रास्ते में, ज्यादा पानी बरसा तो माननीय जी थोड़े लेट हो गए हैं, इसलिए मैं अपने एसएचपी जिला अध्यक्ष गुप्ता से अनुरोध करूंगा उनका बुके देकर के स्वागत करें। माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद आदमी मुकेश राजपूत से भी अनुरोध करूंगा भी दिया है, और हमारे प्रभारी मंत्री आदमी जी का स्वागत करें, और समय अधिक हो चुका है, इसलिए मैं सीधे सीधे अपने प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करूंगा भी बुलाए, और आज इस अपार जनसमूह को अपना आभार व्यक्त करें आदरणीय प्रभारी मंत्री जी। मंच पर आसीन इस जिले के माननीय अध्यक्ष रूपेश जी, हम सबके नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय केशव प्रसाद मौर्य जी, आपके माननीय सांसद जी प्रांशु द्विवेदी जी, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, सुयशी जी, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मोनिका जी, शाके जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, मोदी जी के सरकार के 9 साल बेमिसाल, लेकिन मैं यहां आकर इस पर जोड़ूंगा कि आपका उत्साह जो हुआ है इस बरसात के अंदर, उसने किया है कमाल और हमको किया है निहाल। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से इतना आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच से, इतनी बिगड़े हुए मौसम में भी आप हमारे श्रद्धेय केशव प्रसाद मौर्य जी को सुनने आए, इसमें जहां मौर्य जी के अपना आकर्षण है, वहीं मोदी जी और योगी जी, इन दोनों का व्यक्तित्व कृतित्व है जो आपको यहां खींचकर लाया है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और जो हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने आपसे अपील की है, जो विचार रखे हैं आपके सामने, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप भी बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, और हर विषय को मौर्य जी
छू चुके हैं। फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले, 9 साल पहले तक इस देश में देश की राजनीति की क्या दशा थी और उस प्रदेश की क्या दशा थी, और आज और देश और प्रदेश किस तेजी से बदल रहा है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम हुए। एक राजनीति वो थी इससे पहले कि गर्दन पर तलवार रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ऐसी राजनीति चली इस देश के अंदर। और अफसोस इस बात का कि पूरे देश के अन्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उसका समर्थन करते थे। माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत तो दूल्हा रह गया था, अब इसमें चिन्ह नहीं करके माननीय मुकेश राजपूत सांसद फरुखाबाद माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सभी का, हमारे बीच में पधारे डिप्टी सीएम साहब का, जिले के प्रभारी मंत्री जी का, हिमाचल से पधारे माननीय विधायक जी का, इस मंच में पधारे हुए सभी लोगों का और दूर दराज से फरुखाबाद जनपद से आए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मौसम की इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आप हम सबके बीच इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, आप सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।